नमस्कार, आज टू तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योति सचार, किस तारा कृष्णा शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है 27 जून, दिन है बुधवार का, और साथ ही आज चंद्रमा किस राशि में संचार कर रहा है। जी हाँ, आज चंद्रमा जो है धनु राशि में संचार कर रहा है। और आपके लिए बता दें कि आज ही के दिन मंगल देव वक्री हो रहे हैं। मंगल देव जब वक्री हो रहे हैं, क्योंकि मकर राशि के जो मंगल वक्री हो रहे हैं, साथ में केतु भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। दोनों ही अपना प्रभाव इस तरीके से, क्योंकि जो मंगल को हम कूर ग्रह कहते हैं, कूर ग्रह और साथ ही अग्नि तत्व का, भूमि तत्व का ग्रह भी माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बता दें, भूमि से संबंधित कुछ ऐसी समस्या है, और साथ में केतु और आ गया उपद्रव यानी अग्नि तत्व से संबंधित। ये दोनों चीजें, श्रवण नक्षत्र का स्वामी हो गया चंद्रमा, अब देखिए साथ में जल तत्व का भी स्वामी आ गया। अब ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा परेशानियां देती हैं, देश में उथल पुथल हो जाती है। बहुत सारी जो हम कह सकते हैं आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आंधी तूफान, दुर्घटनाएं, आग लगना, ये सारी चीजें, भूकंप आना, ऐसी चीजों का जो है योग बनता है। तो ये क्या होता है कि जब हम ये देखेंगे कि ये नक्षत्र, ये मंगल जब इस नक्षत्र में आता है, तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों को पानी से, हम कहेंगे पानी से दूरी बना के रखें, क्योंकि उनके लिए जल में जाना, जल में यात्रा करना, ये उनके लिए उचित नहीं होता। मगर आज के दिन हम पहले बता दें, जो 27 जून है और दिन है आज का बुधवार का, और साथ ही आज का शुभ समय आप पहले नोट कर लीजिए। शुभ समय प्रातःकालीन रहेगा, 6:30 बजे से लेकर 7:25 तक का रहेगा। दान पुण्य का कुछ भी निकालना चाहते हैं आप, जो है सामान निकालिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथ ही साथ हम बताते भी जाएंगे कि किस राशि में किस भाव से मंगल अपने वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब पीछे आना, जब पीछे आते हैं वैसे ही इतनी पीड़ा दे रहे हैं, जब पीछे आते हैं तो और ज्यादा पीड़ा बन जाती है। चलिए मेष राशि के लिए हम भाग्य के पासे को देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर अगर हम देखते हैं तो नंबर 3, नंबर 1, 7 आया है। यहाँ बता दें, यात्रा करने से थोड़ा सा बचें, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मंगल वक्री हो रहे हैं वो दशम भाव से आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं। ये बता रहे हैं आपकी जॉब वगैरह, काम काज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। कर्म भाव पर पड़ा है, तो कर्म भाव पर यहाँ पर क्या हो सकता है, अचानक कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ज़्यादा काम का बोझ हो सकता है। हो सकता है जॉब वगैरह में कुछ ऐसे डिसीजन आप ना लें जिसकी वजह से आपकी जॉब खो सकती है, तो कोशिश ये करिएगा, अपना वाणी का अच्छा उपयोग करिएगा, जॉब में यहाँ पर स्थिरता अपनी बना के रखिएगा। क्योंकि जैसे कि हम समय की अगर हम बात करते हैं, तो समय हमारा 27 अगस्त तक रहेगा, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। 2 महीने तक में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी, तो इसीलिए हम मेष राशि वालों को कहेंगे कि दशम भाव, कर्म भाव से यहाँ पर आपकी राशि में मंगल देव वक्री हो रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने काम पर भी थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई आएगी, तो उसमें थोड़ा सा संयम रखिएगा, घबराइएगा नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा, हनुमान जी की पूजा आराधना रखिएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर अगर हम देखते हैं तो नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, 5 वृषभ राशि वालों, ऐसे तो यहाँ 5 आपके लिए आज के दिन के लिए बताता है कि आज वाणी का अच्छा प्रयोग करिएगा, आपके वाणी से हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। और यहाँ पर देखते हैं नवम भाव से मंगल आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं, तो ये बताते हैं भाग्य स्थान से, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। भाग्य का कभी कभी हम कहते हैं भाग्य हमारा साथ दे रहा है, मगर यहाँ भाग्य भी साथ नहीं, इसीलिए कहीं भी पैसा निवेश ना करें। साथ ही जो है यहाँ ये भी है, घर परिवार के लोगों के साथ में भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। परेशानियाँ के कारण हो सकता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपकी पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा जो रुझान है वो कम पड़ जाएगा, तो रुझान नहीं हो पाएगा, यात्राओं में भी रुकावटें आएंगी, तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। क्योंकि नवम भाव में जिस तरीके से मंगल देव वक्री हो रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर कहता है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, 7। सात नंबर ये बताता है कि आज जो है अचानक किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी, जिसके कारण आपके बहुत सारे कार्य भी बनेंगे। मगर यहाँ पर मंगल आपकी राशि में अष्टम भाव से, मंगल और वक्री मंगल और वक्री केतु, ये दोनों के दोनों जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, एक साथ युति कर रहे हैं। शनि वक्री है,
चंद्रमा की युति है। तो यहाँ पर एक चीज बता दें कि मिथुन राशि वालों, आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। 7 नंबर तो आ जाया ही है, तो यहाँ पर विशेष व्यक्ति से तो मुलाकात होगी मगर स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही मन आपका थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, कहीं भी निवेश करेंगे पैसा वापस नहीं आएगा, शत्रु आपके ऊपर ज्यादा हावी हो सकते हैं, वाद विवाद का इस तरीके का योग बनता नजर आ रहा है, तो थोड़ा आपको भी सावधानी बरतनी है। अष्टम का मंगल वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर है, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3, 8 नंबर ये बताता है कि आज अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहेंगे। हो सकता है नया कोई कार्य आपको मिले जिसकी वजह से आज बहुत ज्यादा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब आपको देखते हैं सप्तम भाव से मंगल आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, ये बताते हैं जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, मन आपका अस्थिर रहेगा क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और श्रवण नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा है, तो यहाँ पर प्रथम चरण वो भी है, तो यहाँ पर क्या है मन स्थिर नहीं रहेगा, मन में बहुत सारी एकदम विचारधाराएं गुजरेंगी और मन बेचैन रहेगा, हो सकता सर में आपको दर्द भी रहे, तो यहाँ पर सांस रोक का यानी सांस लेने में तकलीफ भी रहेगी, मन विचलित रहेगा, अस्थिर रहेगा जिसकी वजह से आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो निर्णय लेंगे वो गलत साबित हो जाएगा, तो ऐसा जो है ऐसे में आप क्या करेंगे मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। तो हम बताते हैं अब हम अपनी अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पास एक नंबर है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, 8 नंबर ये बताता है कि सिंह राशि वालों आज जो है हो सकता है कि आज अचानक कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जिसकी वजह से आज आपका मन परेशान हो जाए और आपके घर परिवार में भी हो सकता है उस व्यक्ति की वजह से कुछ वाद विवाद हो जाए, मगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिसकी वजह से आपके घर परिवार में और ज्यादा परेशानी आए। और आपके लिए यहाँ देखते हैं कि आपकी राशि में यहाँ पर मंगल जो वक्री हो रहे हैं केतु के साथ में, यहाँ पर छठे भाव से हो रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी की में तो आपकी जीत होगी, दूर की यात्राएं हो सकती हैं, यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतना है क्योंकि स्वास्थ्य खराब होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपके लिए बता दें कोर्ट कचहरी के केस में आपकी जीत होगी, शत्रु पराजित रहेंगे यानी आपके शत्रु जो हैं आपके सामने ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे तो परास्त रहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर है, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 2। कन्या राशि वालों आज यह बता दें संघर्ष के साथ ही कोई कार्य आपका बनेगा, मेहनत तो संघर्ष से ही आपको उपलब्धियां प्राप्त होगी, तो इसीलिए आज किसी की सलाह लेके ही कार्य करें तो अच्छा रहेगा। और आपके लिए ध्यान देखते हैं कि कन्या राशि वालों पंचम भाव से मंगल आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ बता दें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेषतर यहाँ बता दें मंगल और केतु का जब प्रभाव पड़ रहा है तो गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ हो सकता है गर्भपात वगैरह हो जाए, तो ऐसे में उनको सावधानी बरतनी है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और साथ ही माँ के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज और यहाँ बता दें गर्भवती महिलाएं थोड़ा अपने संतान की तरफ जो संतान है उन पे भी ध्यान दें, खुद गर्भवती हैं तो बच्चे पे भी जो होने वाला बच्चा उस पे भी ध्यान दें, खाने पीने पे पूरा ख्याल रखें, इसके साथ ही जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेते रहें अन्यथा जो है यहाँ पर कष्ट हो सकता है। कुत्ते को रोटी डाला करें, काले कुत्ते को रोटी डाला करें और हनुमान जी के मंदिर में अगर जा सकते हैं तो अच्छा, वरना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें तो गर्भवती महिलाओं की रक्षा होगी। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि तुला। तुला राशि वालों भाग्य के पासे का नंबर आज आपके लिए ये बताता है तुला राशि वालों की नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 काउंट करते हैं 10 का तो 1 नंबर आता है। तुला राशि वालों आपके लिए बता दें 1 नंबर ये बताता है कि पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना है, हो सकता है आज जो है आपका कोई सरकारी काम होते होते रुक जाए, सरकारी कार्य में आज कुछ रुकावटें भी आ जाएं। और आपके लिए यहाँ देखते हैं चौथे भाव से मंगल केतु के साथ में अपना वक्री हो रहे हैं और उस पर दृष्टि भी डाले हैं चौथे भाव पर, तो ये बताते हैं कि माता के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, आपका खुद का भी स्वास्थ्य में कष्ट होगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज बता दें जो धन संपत्ति है उसकी हानि होती हुई नजर आती है, तो जो भी करें सोच समझ के करें और देखभाल कर करें अन्यथा जो है धोखे का आपको सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक सुख में यहाँ पर कमी आ सकती है, तो यहाँ पर पारिवारिक सुख आपको कम प्राप्त होगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 3, नंबर 2, नंबर 2, 7 नंबर। वृश्चिक राशि वालों यहाँ बता दें यात्रा करने से बचें,
हो सके तो जल यात्रा करने से तो जरूर बचें। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज है, किसी के विवाद में अपना हस्तक्षेप ना करें अन्यथा कष्ट होगा। अब देखते हैं मंगल आपकी राशि में तृतीय भाव से आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ में आपके विचारों के मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए, मगर यहाँ पर एक चीज और ये बता दें कि आपका जो अंदर से जो मनोबल है, हमारे जो कह सकते हैं जो आत्मा है हमारी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, हमारा जो साहस है, हमारी जब मनोबल कमजोर पड़ जाता है तो, क्योंकि जब अपनों से झगड़ा होता है तो हमारा मनोबल ज्यादा टूटता है। मगर आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके कुछ कार्य जो सरकारी कार्य हैं उसमें संघर्ष करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तभी जाकर उसमें सफलता आपको मिल सकती है। और इसके साथ ही तृतीय भाव का एक चीज ये देखते हैं, रुका हुआ धन भी थोड़ी मेहनत करने से ही आपको प्राप्त होगा। हम बात करें अपनी अगली राशि धनु। धनु राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर कहता है नंबर 4, नंबर 3 काउंट करते हैं तो 2 नंबर। धनु राशि वालों, मानसिक रूप से परेशानी और साथ ही परिवार की तरफ भी थोड़ा सा आप चिंतित है, परिवार की तरफ थोड़ा चिंता ज्यादा और रहने के कारण क्या हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके साथ ही एक चीज ये बता दें, आपके लिए कोई अगर परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब में तो अभी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन करना अभी आपके लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं द्वितीय भाव से, धन भाव से मंगल आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं, मगर यहां पर यह भी बता दें कि धन भाव से वक्री तो हो रहे हैं मगर हानि पहुंचा रहे हैं, कष्ट देंगे क्योंकि साथ में केतु भी बैठा है, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता दिखता है, वाणी में कठोरता आ सकती है क्योंकि अपने वाणी का शब्दों का इस तरीके से उपयोग करेंगे कि लोगों को आप दुश्मन भी बना सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा आप जो है तुलसी का सेवन करा करें, हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी। कोई भी निर्णय आप गलत ले लेंगे जिसकी वजह से आपको पछतावा हो सकता है, परिवार के साथ में आपके मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं, बस ये उपाय कर लीजिए ताकि जो है पीड़ा कम रहे, असर उसका परिवार पे और आप पर ना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों। मकर राशि वालों के लिए देखते हैं भाग्य का पासा क्या कहता है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, 6 नंबर। मकर राशि वालों, 6 नंबर ये बताता है कि आज जो है आपके शत्रु हो सकता है षड्यंत्र रचे और साथ ही जो है आज खर्च भी ज्यादा हो सकता है। अब ये देखते हैं कि मंगल और केतु का जो प्रभाव है आपकी राशि में कौन से भाव से आ रहा है। प्रथम भाव से आ रहा है, प्रथम भाव से आने के कारण ये बता दें जल से हानि हो सकती है। यदि जल की यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में जिस तरीके से मंगल और केतु अपना वक्री हो रहे हैं तो अपना प्रभाव डाल सकते हैं। गहरे पानी से दूर रहें, जो लोग स्विमिंग करते हैं उन लोगों को हम विशेषकर ये बोलेंगे स्विमिंग वगैरह करने से थोड़ी सी दूरी गहरे पानी में ना जाए, स्विमिंग करें मगर गहरे पानी में ना जाए। कोशिश ये करें जल की जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी जल की यात्रा ना करें क्योंकि उनके लिए भी बेहतर नहीं है, सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ में यहाँ पर वाद विवाद होता नजर आ रहा है, अपने शब्दों का अच्छा उपयोग करिएगा, मीठा बोलिएगा। आपके लिए बता दें आपको क्या करना है, हर मंगलवार के दिन भुने हुए चने और शनिवार के दिन बंदरों में खिलाना अति उत्तम रहेगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, 9 नंबर। कुंभ राशि वालों, हो सकता है आज किसी के साथ में सुनी सुनाई बातों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद कर बैठे, ध्यान देना ऐसा ना करें क्योंकि हो सकता है ये विवाद आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं मंगल आपकी राशि में 12वें भाव से आ रहा, जो हानि का है, विदेश का है। यहाँ पे बता दें यात्रा से कष्ट हो सकता है, यात्राओं से कष्ट हो सकता है, कोर्ट कचहरी के जो केस हैं उसमें तो आपको जीत मिलेगी, शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज है कि विदेश जाने के जो योग है उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है, धन हानि हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि आखिरी राशि मीन। मीन राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 3, नंबर 1, नंबर 1, 5 नंबर। मीन राशि वालों, 5 नंबर आपके लिए बताता है कि आज हो सकता है किसी महिला के सहयोग, कोई आपके घर परिवार का कोई ऐसी महिला है जो आपसे बड़ी हो उसके सहयोग से, या आपके ऑफिस में जो आपकी अधिकारी हैं वो भी महिला हो तो उनका भी सहयोग के द्वारा आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। और आपके लिए एक चीज बता दें, आज आपके घर परिवार में कोई भी एक विशेष व्यक्ति आपके घर में आज आ सकता है। अब हम बताते हैं आपकी राशि में 11वें भाव से, 11वें भाव से
यहाँ पर मंगल और केतु का जो प्रभाव पड़ा, मंगल वक्री होके आपके ऊपर जो प्रभाव डाल रहे हैं ये बताते हैं। आपकी आय वृद्धि में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, आय वृद्धि में प्रॉब्लम हो सकती है, रुकावटें आ सकती है। संतान की तरफ भी थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट होता दिखाई दे रहा है, संतान के करियर की तरफ, संतान पक्ष के स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट होता दिखाई दे रहा है। और ये भी बता दें कि यात्राओं में भी कष्ट होता दिखाई देगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले किसी की सलाह लें, मगर निवेश ना करें, 2 महीने तक थोड़ा सा शांति रखें। कोई मकान ले रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, तो अभी लेने का ऐसा कोई योग नहीं है, तो मत लीजिएगा। बाकी जो है सावधानी बरतिएगा यात्राओं में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था 12 राशियों में मैंने मंगल का वक्री होने का जो प्रभाव है राशियों पे वो बताया, साथ ही केतु का भी प्रभाव है, ये दोनों का प्रभाव आपके बताया, क्योंकि कूर ग्रह मंगल का और साथ ही यहाँ पे अग्नि तत्व केतु का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में किस तरीके से उथल पुथल ला रहा है, तो उससे बचाव के उपाय भी बताए। आशा करते हैं हमारे उपाय आप करेंगे तो उसको आपको लाभ भी होगा। एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में मुलाकात करते हैं। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय महादेव।